आज है संडे, आ गई हूँ किचन में लंच थाली तैयार करने के लिए। मॉर्निंग का नाश्ता हो गया है और 40,000 फैमिली के लिए सबको दिल से बहुत ही धन्यवाद है। शायद आप लोगों का इतना प्यार नहीं मिलता तो मैं एकदम सिंपल क्या बोलूँ, अपने आप को बहुत ही सिंपल मानती हूँ। और मतलब किसी का बिना हेल्प लिए अगर इतना मैं ग्रो कर रही हूँ तो ये बस आप लोगों का प्यार है। और जितने भी हमारे फैमिली है ना, उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पर ये पुदीना पत्ता लेकर के आए हैं, तो देखिए मेरे मैके में ना एक पुदीना की चटनी बनती है जिसमें इमली रहता है, गुड़ रहता है, और मेरे यहाँ लोग चाव खाते हैं लेकिन मिस्टर वर्मा को नहीं पसंद है। बहुत ही सिंपल थाली बनाऊंगी। बहुत गर्मी है, मुझे लग रहा है ना कल से ज्यादा गर्मी मतलब हो गया है, और मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, एकदम गर्मी तो मतलब जानलेवा है। तो बहुत ही सिंपल थाली बनाऊंगी और गर्मी वाली थाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि ऐसे भी मसाला नहीं खाना चाहिए। और एक चीज और मैं बोलूंगी, लेकिन उससे पहले मिस्टर वर्मा से पूछ लेती हूँ कि सिंपल थाली में क्या खाएंगे। तो चलिए पूछ करके आती हूँ। और देखिए किचन में एक बार जरूर विजिट कर लेते हैं। क्या नजदीक आइएगा तो ना हमारे व्यूअर्स देखेंगे। हंसिए क्या इसमें हंसने की क्या बात है? देखिए बहुत दिन हो गया है ना, तो कैमरे में नहीं लाई हूँ तो एकदम से हंसना भूल गया है, तो फिर व्यूअर्स खुद टोकने लगेंगे कि देखिए नहीं हंसते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा क्या खाना खाइएगा? जो बनाओगी इसको खाएंगे। ये चटनी खाइएगा मीठा पुदीना वाला? वो सब नहीं खाते हैं, वो सब झारखंड के लोग खाते हैं। झारखंडी खाना हम नहीं खाते। झारखंड का खाना खा लीजिएगा ना तो फिर भूल जाइएगा इधर का खाना। देख लीजिए, बोल रहे झारखंडी खाना नहीं खाएंगे। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई, नासिक लेके गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि तुम स्टैंडिंग खाना बनाती हो कि सिटिंग खाना बनाती हो। तो हम बोले कि स्टैंडिंग, ये सिटिंग खाना बनाते हैं। तो जा तुम सिटिंग खाना बनाती हो, तब मेरा दिमाग में आया, तब हम लड़ने बैठे। हम बोले कि जो सीटिंग और स्टैंडिंग का जो ये मेथड है, तो मतलब आप अब अपार्टमेंट बन रहा है कम जगह में, मतलब दो दो रूम का अपार्टमेंट बन रहा है, छोटा छोटा किचन बन जाता है, उतना स्पेस नहीं होता है, तो लोग स्टैंडिंग खाना बनाने लगे हैं। पहले आंगन होता था, बाहर हम लोग बगान बोलते हैं, बगान होता था बड़ा बड़ा घूमने टहलने का जगह, तो लोग आंगन में बैठ के खाना बनाते थे। और अब स्टैंडिंग खाना का फैशन हो गया है, बस बस एक गज जमीन में दो रूम तीन रूम बन गया, छोटा सा किचन बन गया, छोटा सा बाथरूम बन गया। बाथरूम भी कहिए तो एकदम रूम से सटे सटे बाथरूम। अब पहले के समय में नहीं, बाथरूम एकदम हट के बनता था घर से। उधर देखिए मुंह उधर कर रहे हैं। तो जब हम बोले तो उस दिन से बोलना चुप हो गए, नहीं बोले थे स्टैंडिंग खाना बनाती हो कि सिटिंग खाना बनाती हो, सबसे पहला यही क्वेश्चन था। तो चलिए सिंपल सा थाली बनाऊंगी। तो चटनी क्या चीज का खाइएगा? देखिए आम का, देखिए आम और धनिया का चटनी इधर मतलब दो दिन हम स्किप किए हैं डेली। आज सुबह में बोल रहे हैं कि तुम धनिया का चटनी नहीं दियो बहुत दिन से, दो ही दिन से। तो चलिए धनिया का चटनी बना देते हैं, और मेरे यहाँ लोग यही चटनी ज्यादा पसंद करते हैं, पुदीना और गुड़ वाला। तो चलिए कोई नहीं, जिसको जो अपना खाना, लेकिन हम मसाला वाला खाना तो नहीं देंगे, बहुत गर्मी है, क्योंकि ज्यादा मसाला वाला खाना देंगे तो फिर और गुस्सा करेंगे तो फिर। तो चलिए कोई नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है। तो फटाफट से बनाती हूँ दिन की लंच थाली। तो थाली में और क्या होने वाला है सिंपल सा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फिर से मैं बोलूंगी 40,000 फैमिली के लिए दिल से धन्यवाद है। और सिया राम जी का कमेंट्स फिर से आता है कि 1,00,000 की फैमिली हो जाए, तो जितना आप लोग प्यार दीजिएगा उतना ही हमारी फैमिली बड़ी होगी, और मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। आज है संडे और मैं पूछ रही थी कि क्या खाएंगे, तो बोले सिंपल थाली बना लो, लेकिन मैं देखी कि मूड बिल्कुल एकदम फ्रेश नहीं लग रहा है, तो मुझे लगा कि आज संडे है तो बिना नॉनवेज के तो खाना खाते नहीं है। और बोल रहे थे कि धनिया का चटनी तुम बहुत दिन से नहीं बनाई हो, तो मैं फटाफट से धनिया की चटनी बना ली हूँ। इसकी रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और साथ में मैं बोली कि आपको जो खाना है आप लेके आइए, लेकिन मटन जब लाते हैं मॉर्निंग में ही लाते हैं, और मेरे अपार्टमेंट के नीचे ही सारा चिकन वगैरह मिल जाता है, तो मैं बोली कि जितना आप खाइएगा उतना ही लाइए, तो लेकर के आए हैं। ऐसे फ़ोन कर देने से भी घर में पहुंचा देता है। तो देखिए बस थोड़ा सा उनके भर में चिकन यहाँ पर बना रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों के कमेंट्स आ जाएगी कि नॉनवेज थाली मत दिखाइए। तो देखिए मेरे यहाँ मिस्टर वर्मा शुरू से खाने पीने के शौकीन हैं, तो अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं। बेटा तो मेरा छोड़ ही दिया है, हम भी नहीं खाते हैं, लेकिन मिस्टर वर्मा बिना नॉनवेज के खाना नहीं खा सकते हैं।
हैं, तो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर चलिए चिकन और चावल मैं बना ली हूँ, और बहुत बार चिकन की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत सारा आप लोगों का इतना मतलब गलत कमेंट्स आ जाता है, तो लेकिन देखिए जो खाने पीने के शौकीन हैं तो उनको मैं मना नहीं कर सकती हूँ। और मेरा मतलब कर्तव्य है कि देखिए परिवार है, जो मतलब उनको खाना अच्छा लगे मैं बना के दूंगी। चाहे ऐसा नहीं कि आज हस्बैंड है तो हस्बैंड की पसंद की जो मुझे जो बोलता है मैं उसको खाना बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ हर हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल, और मैं आज खाऊंगी कर्ड राइस, दही और चावल मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर उनके लिए मैं थाली लगा रही हूँ, और इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि अब बहुत ही हल्का मसाला के साथ बनाई हूँ, सिर्फ काली मिर्च के साथ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं उनको निकाल करके दे देती हूँ। तो जो भी देखिए चिकन बहुत शौक से नहीं खाते हैं, मटन के शौकीन हैं, अगर संडे रहता है ना तो सुबह में ही चले जाते हैं मटन लाने के लिए, लेकिन इधर मैं मना कर रही थी। लेकिन देखती हूँ कि जब मनपसंद खाना नहीं होता है तो एकदम मुँह बना लेते हैं, तो देखिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, शुरू से खाने पीने के शौकीन हैं। तो यहाँ पर चलिए उनके लिए मैं चिकन निकाल दे रही हूँ, और साथ में आम की चटनी भी दे दूँगी। आम के और धनिया की चटनी बहुत शौक से खाते हैं, और मैं पुदीना इसीलिए मंगवाई थी कि पुदीना की चटनी भी खाना मतलब अच्छा होता है पेट के लिए, लेकिन नहीं खाते हैं पुदीना की चटनी। आम और धनिया की चटनी, धनिया को भूंज के और साथ में देसी मिर्च को भूंज के और कच्चे आम के साथ मिला के पीसिए, और इसमें पूरा से सरसों तेल डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, तो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं मतलब जितना आज भर ही पीसी हूँ, डेली मैं ताज़ा पीस करके ही देती हूँ। और यहाँ पर सिंपल सा थाली है, सलाद है, मूली है, और ये खीरा है, थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। तो चलिए उनकी थाली लगा देती हूँ, और सब कोई खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए जब नॉनवेज बनता है ना तो मैं पूरा गैस चूल्हा वगैरह मैं धो लेती हूँ, और जैसे पूजा पाठ का जो भी बर्तन वगैरह के लिए मैं छोटे से बालकनी में अलग से सिंक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में दिखाई हूँ। तो जब नॉनवेज बनता है ना तो मेरे लिए काम भी बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए सारा बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारा ऐसे आप लोगों का कमेंट्स आया है कि झाड़ू पोछा के लिए एक मेड रख लीजिए, तो इसका भी मैं जल्द रिप्लाई करूँगी। आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं नहीं रख सकती हूँ इसके लिए मैं आपके पास, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है ना, आप लोगों से नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। तो मैं जल्द इसका रिप्लाई लेकर के आऊँगी। और जो लोग प्योर वेजिटेरियन है ना, तो प्लीज़ आज की थाली आप लोग के लिए नहीं है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो मैं इसलिए थाली दिखाई हूँ, क्योंकि डेली आपके साथ जो भी मैं थाली बनाती हूँ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं किचन टॉवल भी साफ़ कर रही हूँ, खाना बनाने के बाद ये मेरा डेली रूटीन रहता है, लगे हाथ में गैस चूल्हे वगैरह सब साफ़ करके बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं टेरेस पे जाऊँगी 6 बजे, और फिर 35 गमले हैं मेरे पास, उसमें पानी डालना, फिर आती हूँ नहाती हूँ, फिर संझा बत्ती करती हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहीं पर डाल देती हूँ किचन टॉवल, ये गर्मी है सूख जाएगा। और मेरा कढ़ाई ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, थोड़ा सा ये देखिए डंटी के पास काला लग रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए पानी भी मैं पतीले में भर के रख दूंगी, जिससे सारा दिन बोतल भरने में भी आसानी हो, और सारा बर्तन धो धो करके और पोछ पोछ के मैं सब अरेंज कर दूंगी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।